दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके डीओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अप स्टॉक्स में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी आप नए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्टॉक को फंडिंग कर रहे हैं रतन टाटा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आप इसमें अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर के ऊपर ले जाएगा। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अप स्टॉक एप्लीकेशन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर फ्रेंड्स आपका प्ले स्टोर पर नहीं जाता है, डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल के ब्राउजर पर ले जाता है, तो वहां से भी सेम प्रोसेस रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आप स्टॉक एप्लीकेशन आ गया है। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये पेज आ जाएगा, क्रिएट ए न्यू अकाउंट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना ईमेल एड्रेस दे रहा है, तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है, और नीचे फ्रेंड्स आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी पे इंटर कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे इंटर करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको साइनअप के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे देख पाएंगे स्क्रीन पे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर फिर से मांग रहा है। तो यहां पे आप अपना मोबाइल या फिर जो ईमेल आईडी आपने दिया था, वो दोनों में से कोई भी एक आप यहां पे डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओटीपी से इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स इसको आप वेरीफाई करते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, लेट्स स्टार्ट बाई फिलिंग योर पैन डिटेल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पाएंगे पैन नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे देख पाएंगे व्हाट इज योर जेंडर, आपको अपना जेंडर यहां पे सिलेक्ट करना है। और आपका यहां पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एनुअल इनकम क्या है, अगर आपका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आप बिलो 1 लाख पे कर सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में आप यहाँ पे देख पाएंगे, 5 से 10, 10 से 25 और एबव 25। तो जो भी आपका इनकम हो उसके अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं है तो आप लेस देन 1 ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको है तो आप उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, अगर आप पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, आपका कोई पॉलिटिक्स से रिलेशन है, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख पाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपका व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय पूछा जा रहा है। तो सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी आप करते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी इंडिया का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यस कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे टैक्स पे डिक्लेरेशन में देखेंगे फ्रेंड्स एक ब्रेकेट छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, तो आपको इस ब्रेकेट पे क्लिक कर देना है। और उसके नीचे वाले ब्रेकेट पे भी क्लिक होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कंग्रेचुलेशन आपका नाम लिख के आ जाएगा, दिस इज योर चांस टू विन ए फ्री स्टॉक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यस आई वांट ए फ्री स्टॉक पे नीचे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना एक सिग्नेचर करना है, जो ब्रेकेट बना हुआ है इसके अंदर ही आपको सिग्नेचर करना है। अगर साइन गलत होती है फ्रेंड्स तो आपको इरेज ऑल पे करना है, या फिर आपको अगर साइन सही लगता है, कोई भी साइन फ्रेंड्स आप यहां पे अपना कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहां पे आपका कैमरे का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पे आप देख पाएंगे गॉट इट करके दे रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा मोबाइल का, अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहां पे फ्रंट कैमरे से आपको अपनी एक अच्छी सेल्फी लेना है, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे रिटेक फोटो दे रहा है, अगर फोटो सही नहीं है तो आप वापस से इसको रिटेक करके ले सकते हैं, और अगर सही है फ्रेंड्स तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स आप देख पाएंगे यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इंटरव्यू और बैंक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम में अपना नाम इंटर करना है जो बैंक पासबुक में आपके है, और IFSC कोड आपको इंटर करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद वापस से री इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, और देन फ्रेंड्स आपका अकाउंट सेविंग है करंट है, अगर सेविंग है तो सेविंग पे क्लिक करना है, करंट है तो करंट पे, तो सेविंग है मेरा तो मैं यहाँ पे सेविंग पे कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स आप देख पाएंगे यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने पहले डाला था रजिस्टर के समय पे, तो आपको इसको वेरीफाई करना है, आपके ईमेल पे OTP आएगा और उससे आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप ईमेल को वेरीफाई करेंगे आपके सामने ऑफर नया पेज आ जाएगा लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर, यहाँ पे आप देख पाएंगे साइन अप फॉर फ्री करके दे रहा है, तो आपको फ्रेंड्स इस ब्रैकेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप देख पाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कंग्रेचुलेशन योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन द वे, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वुड यू लाइक टू एक्टिवेट योर फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी एंड कम्युनिटी सेगमेंट एज वेल दे रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको कम्युनिटी में ट्रेड करना है तो आप येस एक्टिवेट पे करना है, नहीं तो आपको नो पे कर देना है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स अगर आप फ्यूचर कम्युनिटी ऑप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप या आपके बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको अपलोड करना पड़ेगा उसका PDF फाइल, और अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको बाद में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, अभी आप फ्रेंड्स आप नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे देख पाएंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा ई साइन योर एप्लीकेशन, तो आपको फ्रेंड्स यहां पे आधार OTP लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको इस पे आधार OTP पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे ई साइन नाउ पे आपको वापस से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपके ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा और NSDL लिखा हुआ आएगा, तो आप नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं आपको डायरेक्ट ये वेबसाइट पे ले जाएगा NSDL के, NSDL के वेबसाइट पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पे देख पाएंगे आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो यहां पे फ्रेंड्स आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है, और आधार नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स आपको सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आपको यहाँ पे इंटर OTP डालना है अपना, OTP डालने के बाद फ्रेंड्स आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसको वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लिक हियर डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा PDF फाइल जो उसका फॉर्म होता है वो आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो सबमिट हो चुका है, और आपका अकाउंट फ्रेंड्स अब ओपन हो जाएगा 1 से 2 दिन वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप फंड ऐड करके फिर यहां से आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।